बढ़ती उम्र के साथ साथ देश में घुटनों से जुड़ी हुई समस्या तेजी से बढ़ रही है। बुजुर्ग लोगों के घुटनों में दर्द रहता है, जिसके लिए उनके पास केवल एक ही विकल्प होता है कि घुटनों का ट्रांसप्लांट कराया जाए, वह भी मैनुअल तरीके से। लेकिन आज मेडिकल साइंस में खूब तरक्की कर ली है। रोबोटिक सर्जरी से सटीक घुटनों का ऑपरेशन किया जा सकता है, वो भी बेहद कम खर्चों पर। मेडिकल साइंस में इसे चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा है। डॉक्टर सुजॉय भट्टाचार्य जी ने होटल पीएल पैलेस में आयोजित कार्यशाला में घुटनों व पैरों के रखरखाव पर व्याख्यान दिया, साथ ही घुटनों की रोबोटिक सर्जरी की खूबियों और खासियत के बारे में भी बताया। उन्होंने आगरा की 80 साल की शांति देवी का एक साथ दोनों पैरों का रिप्लेसमेंट वह भी रोबोटिक सर्जरी से किया। मेडिकल साइंस में यह चमत्कार से कम नहीं है जब एक रोबोट ने 80 साल की महिला के घुटनों के ऑपरेशन वह भी एक साथ किए। रोबोटिक सर्जरी का मैं बात करना चाहता हूँ। ये एक सर्जरी ऐसा है, ये एक्सपीरियंस का हाथ में बहुत अच्छे है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको रोबोट आपको ज्ञान को बढ़ाएगा नहीं, आपको ज्ञान को प्रिसाइज करेगा। जो मेरा ज्ञान है, जो मैंने ज्ञान 20 साल से हमने अध्ययन करी, हमने हमारे करीब 24 साल का मेरे पास पोस्ट MS एक्सपीरियंस है और करीब 22-23 साल से हम जोर प्रत्यारोपण सर्जरीज कर रहा हूँ। तो मेरा जो ज्ञान है, उस ज्ञान को प्रिसाइज किया, मेरे ज्ञान को बढ़ाया नहीं रोबोट ने। तो ये सर्जरी जो होता है, सबसे पहली रोबोटिक सर्जरी कामयाब उसी इंसान का हाथ में जो इंसान इस सर्जरी में माहिर है, पहले से ही उसी का हाथ में काम है। कहो आप जो प्लानिंग करके दोगे रोबोट वही करेगा, रोबोट अपने आप कुछ भी नहीं करेगा, रोबोट वही काम करेगा। तो आप जो प्लानिंग है, अगर आपका प्रॉब्लम है तो आपका प्लानिंग में प्रॉब्लम है, रोबोट में प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसका फ़ायदा क्या है, आपको दिखा है हमने, रोबोट का फ़ायदा ये है, रोबोट एग्जैक्टली वही करेगा जो आप चाहते हो। जैसे आप हाथ पे करते हो, हाथ आपको हिलेगा, एक जो आपका ब्लेड होता है 100 का ब्लेड होता है वो 2 mm 2.5 mm का होता है, उसमें भी आपका वेरिएशन 2 mm का 1.5 mm का वेरिएशन हो सकता है। लेकिन रोबोट का होता है, हमने कोई जरा दुनिया चेक करके देखा है, उसका जो फ़र्क होता है 0.25 mm अगर होगा तो होगा 0.5 0.25, मतलब 7 mm प्रिसिशन होता है उसमें। इसका मतलब है आप जो प्लानिंग करके दोगे एग्जैक्टली वो एग्जीक्यूट करेगा, उसको डॉक्यूमेंट कर सकते हो। जैसे मैनुअल सर्जरी करी, मैनुअल सर्जरी को मैं डॉक्यूमेंट नहीं कर सकता हूँ। मेरे साथ में दो डॉक्टर साथ में, मैंने बोला ये बिल्कुल सीधा है, एक डॉक्टर बोलेगा नहीं सीधा नहीं है तो टेढ़ा होना चाहिए, नहीं बोलेगा मैं सीधा लग रहा है मेरे को तो लग रहा है। लेकिन रोबोट जो बोलेगा वो डॉक्यूमेंट करेगा, वो आपको मैनुअल देकर बता देगा जी, आपको एग्जैक्ट साइज बता देगा, जिसमें साइज कितना इधर कितना बता देगा आपको, ये फायदा है। दूसरी बात है, ये जितना सटीक जगह बनाएगा, जितना आपका इम्प्लांट पोजिशनिंग परफेक्ट होगा, इतना उनका आउटकम अच्छा होगा, इतना वो बढ़िया चलेंगे, इतना उनका लचीलापन। आप देख लो क्या बोला, कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट का जरूरत नहीं है। आप हर आज के दिन में मिथ्स है, हर पेशेंट का घबरा जाता है जब मैं बोलता हूँ आपको फिजियोथेरेपी का जरूरत, बोलता है 2 महीना तो हर पेशेंट का जरूरत पड़ता है। 2 महीना फिजियोथेरेपी का मतलब होता है करीब आपको 75-1 लाख रुपये खर्चा होता है। लेकिन रोबोटिक सर्जरीज करने देखा गया बहुत मिनिमल जरूरत पड़ता है, अगर घर का आदमी साथ दे रहे तो इसमें बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता है।